देश में रेप की बढ़ रही घटनाएं ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या महिलाएं केवल वहशी दरिंदों के जिस्म की भूख मिटाने की वस्तु है, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्या वो भी दूसरों की तरह खुली हवा में सांस नहीं ले सकती हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि पहले निर्भया, फिर हाथरस, फिर बलरामपुर और न जाने कितनी ही महिलाएं ऐसे वहशी दरिंदों का शिकार हो चुकी हैं और न जाने ये सिलसिला कब थमेगा। ताजा मामला मध्य प्रदेश के भोपाल शहर का है, जहां 20 साल की लड़की के साथ उसके ही परिचित द्वारा रेप का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 20 साल की लड़की अपने परिचित से एक्टिवा लेकर अपने सहेली के घर मिलने गई थी, लेकिन वो दोस्त से मुलाकात के बाद परिचित को दोबारा एक्टिवा देने गई तो उस दौरान युवक अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। इसी दौरान लड़की को देखकर उसकी नीयत बदल गई और उसने लड़की को छत पे ले जाकर उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया। कहा जा रहा है कि पीड़ित युवती एक मोबाइल शॉप में काम करती है और यह पूरा वाक्या शनिवार रात का है, जब वो कपड़ा मार्केट के चौकीदार देव सिंह राठौड़ से एक्टिवा मांगकर अपनी सहेली से मिलने गई थी। जब युवती अपनी सहेली से मिलकर एक्टिवा वापस करने पहुंची तो उस समय देव सिंह अपने दो साथियों कालू और आकाश मालवीय के साथ जाम पर जाम लगा रहा था। शराब के नशे में धुत जब देव सिंह ने युवती को देखा तो उसके शरीर में छिपा हैवान जाग उठा और वो लड़की को जबरदस्ती बिल्डिंग के अंदर ले जाने लगा। लड़की ने इसका विरोध भी किया, लेकिन शराब के नशे में वो हैवान कहां मानने वाला था। इस शर्मनाक घटना में उसके दोस्त कालू और आकाश लड़की को ढकेलते हुए छत पर ले गए। युवती को छत पर ले जाने के बाद कालू और आकाश तो रफू चक्कर हो गए, लेकिन देव सिंह ने लड़की के साथ इस शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। रात को 2:30 बजे युवती जब अपने घर पहुंची तो अगले दिन बैरागढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने रेप का मामला दर्ज करने के बाद तीनों के ठिकानों पर दबिश दी और सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC ST एक्ट भी लगाया है।